देश में कैग के अध्यक्ष बनाए गए हैं जेसी मुर्मू, और एक ऐतिहासिक निर्णय कहा जा रहा है भारत सरकार का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी मौजूद हैं। सर मुर्मू साहब को एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठाया गया है, किस तरीके से इसमें? मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति पूरे देश के आदिवासी समुदाय के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले की भी तो बात ही अब नहीं सोचते, आज़ादी के बाद भारत के एक प्रमुख जिम्मेदारी सीएजी के रूप में जीसी मुर्मू नामक हमारे आदिवासी भाई को यह दायित्व दिया है कि पूरे देश के जो लेखा जोखा है उसका एक सही आकलन की जिम्मेदारी वो संभाले। और यह मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पूरे देश के आदिवासी समुदायों का सम्मान बढ़ा है। जीसी मुर्मू एक बहुत ही सहज और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति के रूप में है, तो वहीं उनकी प्रशासनिक दक्षता एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में बहुत ही दृढ़ संकल्पित रही है, और यह जिम्मेदारी वो बखूबी अच्छे ढंग से निभाएंगे। यह सोचकर प्रधानमंत्री ने यह एक बड़ी जिम्मेदारी जीसी मुर्मू जी को दिया है, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। आदिवासी दिवस के मौके पर आप क्या पूरे देश के आदिवासी समुदायों को क्या मैसेज देंगे, किस तरीके का आपका? देखिए, ये यूएन का रेजुलेशन है पूरे दुनिया के इंडिजिनस लोगों के लिए, और वो इंडिजिनस लोगों के लिए एक संकल्प का दिन कैसे बने, इसलिए यूएन रेजुलेशन के तहत इसको मनाया जाता है, लोग मनाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे दिवस होते हैं जिसको दुनिया में लोग एक संकल्प के रूप में कैसे ले, एक आत्मीयता के रूप में कैसे ले, तो ये पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक रेजुलेशन लेने का दिन है कि हम कहाँ हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, जिस तरीके से कैग के अध्यक्ष के तौर पर निर्णय लिया सरकार ने वो काफ़ी काबिले तारीफ है, और रहा अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, तो इस दिन आदिवासी अपने को कैसे उन्नत बना सके इसकी चिंता खुद को करनी चाहिए, सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 11 दिल्ली। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जिसने आदिवासियों के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया, जो वर्तमान में भी झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य सरकार के वित्त मंत्री हैं, और साथ ही साथ देश में एसटी आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ऐसे में जिस तरह की बातें आती हैं, हर कोई दावा करता है कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए हम सबसे आगे बढ़कर काम चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आदिवासियों के विकास के लिए भी सबसे ज़्यादा फोकस करने का कहाँ जरूरत है? देखिए, दावा करते हैं, उनका दावा खोखला है, जो पार्टियां कर रही हैं कुछ नहीं किया है, मैं बताऊंगा कैसे। देखिए, सब एक कमज़ोर वर्ग है ये आदिवासी, देश में एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं हम लोग, और हमारी ज़मीन को लूटने का काम होता रहा है, चाहे ब्रिटिश पीरियड हो या बाद के वर्षों में भी, आज़ादी के बाद भी हमारी ज़मीन हमसे ले ली गई, लूट ली गई नहीं कहेंगे लेकिन भू अर्जन के नाम पर ले ली गई। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमें ताकत दिया है कि हम इसे नहीं होने देंगे, इसके लिए 2013 का कानून बना है जिसमें बगैर मर्जी के हमारी ज़मीन को कोई ले नहीं सकता। अगर देना होगा ज़रूरी काम के लिए तो 4 गुना दाम उसके मिलेंगे, जिससे हमारी भरपाई हो जाएगी, क्षति होगी उसकी भरपाई हो जाएगी। एक दूसरा कि जो अधिकार देने की बात है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उस अधिकार को हम लोग लागू करेंगे। अधिकार कौन कौन है? मुख्य रूप से जिससे जल जंगल जमीन की बात हम करते रहे, मांग करते रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने जंगल में अधिकार हमको दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना करके, लेकिन देश में और इस राज्य में भी इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सरकार में अभी हैं,
हम इसको पूरी तरह से लागू करें और हम लागू करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जी इसके लिए कटिबद्ध हैं इसको लागू करने के लिए। कोरोना का पीरियड है, जैसे ही कोरोना पीरियड खत्म होगा हम इसमें काम अपना शुरू करेंगे। इसलिए वन विभाग अपने पास उन्होंने रखा है ताकि हम जमीन फॉरेस्ट एक्ट के तहत दे सकें। सर, आप जब आयोग के चेयरमैन थे तो ऐसी कई बातें आई थी जिससे ये पता चला था कि कहीं ना कहीं सिकुड़ता जा रहा है जो जनजाति, कई जनजाति जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा चिंता उस वक्त कहाँ आपको महसूस हुई थी? देखिए, सिकुड़ता जा रहा है, इसलिए सिकुड़ रहा है कि उनको भरपूर भोजन नहीं मिलता है, वो भूखे रहते हैं। इसलिए यूपीए की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसको लागू किया जाए तो कोई आदिवासी भूखा नहीं रहेंगे और विलुप्त नहीं होंगे, मैं ये मानता हूँ। यहाँ भी हमने, आपने देखा होगा, कोरोना काल में भी हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट को पूरी तरह से लागू किया और कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होने दिया। भाषा भी विलुप्त होती जा रही है, भाषा के लिए भी हम कटिबद्ध हैं, हम भाषा को बचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे उसको। दो डिमांड इस वक्त झारखंड में सबसे ज़्यादा हो रही है, एक सरना धर्म कोड की और दूसरा आज के दिन को राजकीय छुट्टी देने की। राजकीय छुट्टी देने के लिए मैंने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा, वो मान गए, छुट्टी घोषणा हो गई है। इस वर्ष तो आज रविवार है इसलिए छुट्टी नहीं हो सकी, लेकिन आने वाले समय में छुट्टी, सार्वजनिक छुट्टी इसको घोषित कर दिया गया है, ये हो जाएगा। जहाँ तक सरना धर्म का सवाल है, हमारी घोषणा पत्र में और जेएमएम के घोषणा पत्र में स्पष्ट हमने माना, कहा है, जनता से वादा किया है कि हम इसके लागू करने के लिए, सरना कोड लागू करने के लिए हर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री से बात हुई हमारी, हम असेंबली में इसको पारित करा करके सरकार, भारत सरकार को भेजेंगे, अनुशंसा करेंगे, भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि सरना कोड हमें मिले, आदिवासियों को मिले। झारखंड की जनता को आज क्या संदेश देंगे सर? झारखंड की जनता आदिवासियों के लिए कहेंगे कि आप अधिकार समझिए और अपने संरक्षण के लिए सरकार से लड़िए, संघर्ष आप करते रहे हैं, संघर्ष के अगर वर्तमान सरकार भी नहीं देती है जो अधिकार आपको है और किसी तरह से प्रोटेक्शन भी नहीं देती है तो आप लड़िए। हम लड़ने के लिए कहेंगे उनको, शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से लड़िए। एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री ने, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरना धर्म कोड लागू करने के लिए सरकार बहुत जल्द जो है विधानसभा में एक बिल लाएगी और इस बिल को यहाँ से पारित कराकर केंद्र को भेजेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी अपील की है कि आदिवासी अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, उसमें सरकार उनको पूरा सहयोग करेगी। सहयोगी हमें अभय के साथ, विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। झारखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा से ही आदिवासी समाज, उसकी संस्कृति और उसका विकास रहा है। लेकिन आदिवासी समाज कितना विकसित हो पाया, आदिवासी समाज को विकास की दौड़ में आज के नेता कितना आगे बढ़ा पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज जब विश्व आदिवासी दिवस का मौका है तब ये जान लेना जरूरी है कि झारखंड के आदिवासी कितना आगे बढ़ पाए हैं। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं, मांडर से विधायक हैं और आदिवासी नेता के तौर पर ही इनकी पहचान है, इनकी पूरी राजनीति इसी पर केंद्रित है। बंधु जी, सबसे पहला सवाल, आपको आदिवासी नेता कहा जाता है लेकिन क्या आपको इस उपाधि से फख्र है या फिर आज भी आप मानते हैं कि बहुत काम बाकी है जो आदिवासी समाज के लिए करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड प्रदेश के आदिवासियों को मैं शुभकामना देता हूं। और आज मैं लंबे समय से आदिवासियों के बीच में काम कर रहा हूं, दो बार मैं लगातार विधायक भी रहा मांडर विधानसभा से और बीच में हम चुनाव हार गए थे, फिर तीसरी बार भी जनता मुझे चुनी है। लेकिन मैं जिन चीज़ों को देखता हूँ और जिस उद्देश्य से यह राज अलग हुआ, एक तो कहा जाए कि बहुत लंबा संघर्ष के बाद इस राज को राज अलग हुआ है और इस राज के अलग होने से निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासी न्याय का उम्मीद पूरा कर बैठे थे।
लेकिन जो न्याय उसको मिलना चाहिए, चाहे विकास की जो बात हम करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सबसे बड़ी बात उसका जो जमीन से संबंधित मामला है, ये चीज़ों को जितना होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं हो पाया है। अगर हम उसको ईमानदारी से हम कहें, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो हमको लगता है कि 5% भी आज आदिवासियों के लिए कल्याण का काम, बेसिक चीज नहीं हो पाया है। अब ये सवाल ये उठता है कि इसके लिए कसूरवार कौन है, जब राजनीति के केंद्र बिंदु में वही आदिवासी समाज है, इतने दिनों तक राजनीति उसी के नाम पर हो रही है, तब आप कहते हैं कि 5% ही हम उसके साथ न्याय कर पाए। नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि सबसे पहले आदिवासियों का सबसे जो उनका जो एक तरफ से कहा जाए भावना से जुड़ा हुआ है, उनका एक तरफ से कहा जाए कि एक तरफ से उनका एक जान है, तो ये उनका जमीन है। तो जमीन जैसे मामले में अब तक जमीन उनकी कैसे रक्षा की जाए, ये कोई ठोस नीति अभी तक बन नहीं पाया। सरकार तकरीबन ये प्रदेश जो बना है तो ये आपका 20 साल तकरीबन होने जा रहा है, सरकार कई एक सरकार आई कई सरकार गई, लेकिन इस बार जो हेमंत सोरेन जी की जो सरकार बनी है, कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चल रही है, तो इस सरकार से बहुत उम्मीद है। लेकिन वही सवाल उठता है कि इस 20 साल की चर्चा आपने की, इस 20 साल में अगर हम कहें तो 5 साल रघुवर दास सरकार की सरकार रही, मतलब गैर आदिवासी, 15 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, क्या उनको इस दर्द का एहसास नहीं है? देखिए, इसे आपका अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, 5 साल आपका रघुवर दास की सरकार रही, बीच में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन चाहे ये सच्चाई यही है कि जिन चीज़ों को जो उनकी भावना है उस भावना को समझ नहीं पाए लोग। मैं खुद एक आदिवासी जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं लगातार इस पर संघर्ष कर रहा हूँ। आज अगर कहा जाए कि यहाँ का आदिवासी और उवर मूलवासी की लड़ाई का एक तरफ से हम लोग जनक के रूप में जाने जाते हैं, और इस संघर्ष में हमारे कई ऐसे साथी कुर्बानी भी दिया, शहीद भी हुआ इसमें, और जमीन जैसे मामले में मैं लगातार लड़ाई लड़ा हूँ, लेकिन ये लड़ाई केवल हमारा ही लड़ने से केवल संभव नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आदिवासी समाज में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, फिर वो बात घर की हो, बाहर की हो, खेत और खलिहान की हो, या राजनीति के मैदान की हो, महिलाएं आपको पुरुषों के साथ न सिर्फ कदम ताल बल्कि दो कदम आगे निकलती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ इस वक्त रांची की मेयर आशा लकड़ा हैं। आशा जी, विश्व आदिवासी दिवस, जितना कहने में ये आसान लगता है, लेकिन अगर हम इसके मायनों में जाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत सोचने की ज़रूरत है, सिर्फ कह देने से बात नहीं बनती। सबसे पहले तो मैं आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर तमाम रांची सहित पूरे झारखंड के लोगों को और देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में रहते हैं ऐसे तमाम आदिवासियों को और इस राज्य में रह रहे सभी लोगों को जो आदिवासियों के साथ तालमेल बना करके आज समाज में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूं। और विशेष रूप से आदिवासी दिवस के दिन में हम आयोजन करते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कोई पैदल मार्च करता है, कुछ और करते हैं, लेकिन अभी
चाहे अपना समाज को जागृत करने के लिए तरह तरह का एक आयोजन करते हैं, लेकिन जो शहर क्षेत्र में रह रहे हैं ऐसे लोग ही जानते हैं। ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आदिवासी दिवस से कोई मतलब ही नहीं होता है, उनको जानकारी भी नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये तो विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन प्रदेश स्तर का, जैसे हमारे जो अगुआ रहे हैं, चाहे फूलो झानो हो, सिनगी दई हो, बिरसा मुंडा हो, चांद भैरव हो, सिद्धू कानू हो, वीर बुद्धू भगत हो, हलधर गिलधर हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया है, आदिवासी समाज के लिए युद्ध किया है, और आदिवासी समाज को कैसे मुगलों के साथ में, अंग्रेजों के साथ में, तरह तरह के लोगों के साथ में जो आक्रमण किया आदिवासी समाज में, ऐसे समाज को आगे लाने में और आज एक इतिहास गढ़े हैं। तो मुझे लगता है उनके नाम से अगर हमारे स्टेट में ही, हमारे राज्य में ही एक आदिवासी दिवस के रूप में घोषणा होती, जैसे हमारा 15 नवंबर को स्थापना दिवस है तो गांव-गांव का लोग जानता है, उसी तरह से आदिवासी दिवस के रूप में अगर किसी एक जन का नाम से, अगर उसके जयंती के शुभ अवसर पर, चाहे उनके आंदोलन का जो ईस्वीसन होता है जिस तिथि के माध्यम से, तो ऐसे लारा का आंदोलन हो गया, हुल दिवस हो गए, चेरो आंदोलन हो गए, ऐसे कोई भी आंदोलन को लेकर के अगर उस दिन को, अगर उस तिथि को मनाते और एक राजकीय आदिवासी दिवस घोषणा होता, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, और ऐसे सुदूरवर्ती गांव जहां आज भी लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो जानते, और उस निमित्त अगर आप एक दिन का अवकाश देते तो उस समय लोगों के मन में आता है ये छुट्टी इसलिए है कि हमको आदिवासी दिवस मनाना है। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के बारे में उनका कौन, क्या इतिहास रहा है क्या नहीं, झारखंड का उससे कुछ समन्वय रहा नहीं रहा, लेकिन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ आदिवासी है, आज झारखंड में देखिए तो 26% हमारा आदिवासी है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रमाणित होता है कि ये राज्य ही आदिवासी बहुल है, और आज हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एक दूसरे को देख करके, अपने अगुआ को देख करके और समाज को देखते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं एक आदिवासी दिवस शहरों तक आई है, शहर से ब्लॉक, जिला और जिला से ब्लॉक तक जाएगी और धीरे धीरे गांव तक जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चूँकि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है इस बार रविवार को ये विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सरकारी अवकाश होगा, खैर जो, लेकिन दूसरी जो बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी की एक खूबसूरत उसकी संस्कृति, उसकी एक परंपरा, इस आधुनिकता के दौर में, इस युग में क्या लगता है हम कैसे उसे बचाएंगे, और जो नई पीढ़ी है उसे बचाने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, किसी भी समाज को अस्थायी रूप से रखने के लिए और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आदिवासी समाज की बात करती हूँ, एक आदिवासी लड़की होने के नाते मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, शहर में भी रहती हूँ, लेकिन अपना जो परंपरा है उसको मैं भूली नहीं हूँ, क्योंकि अपने यहाँ का जो 12 महीना 12 गीत 12 पकवान ऐसे लोग कहते हैं, और हर समय कुछ अलग अलग राग ताल बाजा गीत पूजा पद्धति ऐसे सब अलग अलग हम लोग का हर समय होता है, यानी हमारे यहाँ 32 जनजाति के लोग हैं तो सबका अलग अलग प्रकार है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही मिलता है और मिलजुल करके एक ही होता है, हम अलग अलग नाम से गोहराते हैं, जैसे मान लिया हम सरना स्थल में पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, आप, मैं आपको बता दूं कि दिसवाली का पूजा करता है लोग, आषाढ़ी का पूजा करता है, तो ये दक्षिण छोटा नागपुर का एक परंपरा है। उसी तरह से हम चल जाएंगे संथाल परगना का, उत्तरी छोटा नागपुर में रह रहे हैं उनका, फिर पलामू प्रमंडल में रह रहे हैं आपका, ये पश्चिमी सिंहभूम में चले जाएंगे तो उधर हो समाज का अधिकतर लोग रहते हैं, सिमडेगा चले जाइए तो खड़िया समाज का लोग रहते हैं, साहेबगंज जाइए तो पहाड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, आप पूरा दुमका में संथाल रहते हैं, रांची का क्षेत्र में मुंडारी समाज का लोग रहता है, तो सब मिला करके अपना अपना जो पूजा पद्धति है अपने पुराने परंपरा से ही कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी जिस टाइप से हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो करते आ रहे हैं, जैसे सोहराई का त्यौहार होता है, हम लोग इधर कार्तिक कहते हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं मिला करके हम गौ माता का पूजा करते हैं, उसी तरह से हम जहर स्थान की बात करते हैं या सरना स्थल की बात करते हैं, तो एक ही हम पूजा करते हैं, चाहे जहाँ भी अपना संस्कृति है उसको सब बचाने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं तो आज भी गांव में लोगों को इंतजार होता है, सरहुल होता है, कर्मा होता है, उधर बाहा पर्व होता है,
ऐसे सभी पूरे झारखंड में अलग अलग जनजाति का अलग अलग तरीका है बोलने का, अपने भाषा के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार काम करते हैं, लेकिन मिला जुला के सभी आदिवासी एक हैं और एक सोच को और एक संस्कृति को जागृत करने के लिए आज भी जो पढ़ा लिखा लोग हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में रहने वाला, माने एक पढ़ने वाला विद्यार्थी शहर भी आया होगा लेकिन उसका गांव में त्यौहार है तो उस दिन वो जरूर जाते हैं। जैसे अभी कर्मा आने वाला है, भादो माह एकादशी को बर यहाँ कर्मगढ़ आता है, तो पूरे झारखंड में एक दिन कर्मा रहता है, पूरे राज्य मनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दक्षिण छोटा नागपुर की अगर बात करेंगे तो हर गांव का अलग अलग कर्मा होता है, तो ये कर्मा का त्यौहार एक लोगों का आने जाने का भी रहता है, अपना खान पियान भी रहता है, महिलाएं अपना भाई के लिए व्रत रखती हैं, लड़कियां अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं, ऐसे कर्मा उपवास अगर देखा जाए तो इस टाइप का लोग व्रत करते हैं और बड़ा धूमधाम से उनका गीत मांदर का ताल, वो गाना से ही लगता है कि वाह ये आदिवासी का त्यौहार है, अपना त्यौहार है, और अपने आप पैर झूमने लगता है, अपने आप खुशी से क्या बोलते हैं थिरकने लगता है पैर, दिल में एकदम ऐसा लगता है कि वाह अभी इनका इंतजार लोग करता। आज अगर लॉकडाउन नहीं, कोरोना वायरस नहीं होता तो बाजार में रौनक देखते। राजनीतिक रूप से अगर हम कहें तो सरनाकूट ये कब तक होगा, और क्या ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, ये कभी नहीं मिलने वाला मुद्दा है या मिलेगा? देखिए इसको तो गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुद्दा है। पहले तो झारखंड में ये मुद्दा था, चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक करने के लिए एक मुद्दा था, लेकिन धीरे धीरे समाज को आगे आना पड़ा है, बढ़ रहे हैं, इसको पूरा रूप से गहन अध्ययन करना चाहिए, और गहन अध्ययन करने के बाद जिनकी भी सरकार रही होगी, चाहे अभी जेएमएम की भी सरकार है तो उनको इस समय जनगणना हो रही है, इससे पहले तैयारी होना चाहिए था कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। चाहे यहाँ का जो भी राज्य था, अगर आपके आपको लगता है आप चाहते हैं कि यहाँ होना चाहिए, दूसरा चाहता है नहीं होना चाहिए, तो इन सबको समन्वय बनाने के बाद में सरना कोड की बात करेंगे, सिर्फ झारखंड में और सिर्फ दक्षिण छोटा नागपुर में सिर्फ सरना मानने वाला, बहुत सारे राज्यों में से उठ रहे हैं, तो सबको मिला करके कौन ऐसा शब्द होगा जिस शब्द को हम डाल करके इसका पक्ष में रहेंगे। लेकिन जितना भी आज तक हुए हैं ये तो राजनीतिकरण ही हुए हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत भोली भाली होती है और उन तक जा करके लोगों को बरगला करके कई बातों को कहना, लेकिन मुझे मैं जो कहती हूँ कि सरना कोड मांगने के लिए पूरे देश भर का जितना लोग है, जितना जन नेता है, सबको एक होना पड़ेगा और उसके लिए एक व्यक्ति को अगुआ बनना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। चाहे ये बात माननीय केंद्रीय नरेंद्र भाई मोदी तक यानी कि प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए कि इसको पीने के बाद में कहाँ तक पहुँच रहे हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन आज तक ये सिर्फ परंपरा और संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण इस पर विराम नहीं लगा। नहीं, मैं तो इसके बारे में मैं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये हमारा परंपरा नहीं है कि पी के सोते रहो, हमारा परंपरा ये है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पद्धति हमारी होती है, तो उसमें धरती अबा को थोड़ा सा हम उसको एक समर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो उसी में से उसको अन्न का रस थोड़ा दिया जाता है। इसके लिए ये नहीं कि हाँ हम आदिवासी हैं तो पियेंगे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज दुनिया बदल रही है, लोगों के पास में रोजगार का भी कई साधन है, लोग कई साधन को निकाल सकते हैं, कोई ठेला में, कोई खोमचा में, हर कैटेगरी के लिए, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, हर जगह लोग पढ़ा रहे हैं। एक बदलाव होने की आवश्यकता है, जो पहले आपने देखा होगा बहुत रोड किनारे दिखते थे, वो कहीं ना कहीं कमा है। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं कम हुआ, लेकिन पूरा कम हुआ है, नहीं बेचते, बेच रहे हैं लेकिन नहीं के बराबर। पीने वाला सिर्फ आदिवासी नहीं है, अगर आप पीने वालों को देखिएगा तो सभी समाज का लोग है, लेकिन बदनाम हमारा समाज होता है। तो मैं इतना कहूँ कि जो अभी भी उस टाइप से है, लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, बदलाव आएगी और इस बदलाव के लिए सब लोग लगे हैं, अपना समाज एकत्रित आ रहा है। अभी आप देखिए कहीं भी हमारा कार्यक्रम होता है तो सभी समाज एक साथ होकर के खड़े होते हैं, चाहे धर्म के नाम पर होगा, चाहे समाज को बचाने के नाम पर होगा, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक बैग तुरंत में नहीं छूट जाएंगे, जो सदियों से चलते आ रहा है उसको तुरंत में छुड़ा लेंगे ये तो संभव नहीं होगा। लोग जग रहे हैं उसी के आधार पर करेंगे, विशेषकर शहरी क्षेत्र में ये परंपरा बहुत ज़्यादा है और शहर में और भी रोजगार है, उनको रोजगार अगर मिले रहेगा तो लोग जरूर करेंगे। लेकिन उनको क्या लगता है सहज हो गया, सहज में हमको सब प्राप्त हो गया तो हम कर देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। मैं तो इसके लिए बहुत व्यथित हूँ और मैं जाती भी हूँ कहीं भी किसी बस्ती में भी, अगर किसी को देखती हूँ तो दीदी इसको बदल लीजिए, कुछ और काम कर लीजिए,
लोग में एक बदलाव आया है, लोगों को लगता है कि यही मेरा रोजगार है, तो ये तो गलत कहेंगे क्योंकि और भी रोजगार है इससे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना बताएं कि महिला जो आदिवासी महिला बहुत स्ट्रांग है, आज आदिवासी महिला एक घर को चला ले रही है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला ले रही है, खेत में जोतने गए तो महिला कोड़ी पकड़ करके कुदाल चला रही है, अगर क्या बोलते हैं पति उधर बिचड़ा छीट रहे हैं तो महिला पीठ में बच्चा बांध के धान रोप रही है, इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए चिंता करते हैं, घर में कुछ नहीं है, खेती करके ही आज रांची में रख करके लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये उनका संघर्ष है, ये उनका आत्मविश्वास है कि आज मेरा बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, ये सोच करके सबने मेहनत करते हैं और मेहनत करके भेजते हैं। अगर आप देखिएगा तो एक शाम नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को खिलाएंगे। हाँ, लेकिन आजकल जो खेती कर रहे हैं तो उससे भरपूर हो जा रहा है धान। हाँ, जिसके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, लेकिन उसको भी दूसरे जगह दूसरे का खेत में भी काम करके एडवर्टाइज सब लेकर के लोग काम करते हैं। गांव का एक परंपरा क्या है कि मेरे पास खेत नहीं है तो हम हाथ धर के बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिएगा साप्ताहिक हाट बाज़ार में कभी वहाँ मिलेगा कि हड़िया दारू बेच रहा है, नहीं तो अभी दिन में आप कभी नहीं पाइएगा कि हाँ दिन भर कहीं गांव में करते हैं, लेकिन जब खेती करके आया तो उसका खेत अधिक है तो उससे आधा लेकर को खेती करके अपना जीविकोपार्जन करता है, किसी पर आश्रित नहीं है, एक स्वाभिमान के साथ में आदिवासी समाज जीना चाहता है। और मैं तो कहूँ कि मेरे लिए गर्व की बात है, मैं एक आदिवासी समाज से निकल करके आई हूँ, मेरे लिए और मेरे समाज के लिए बहुत कुछ करने का मुझे रहता है। और आज भी देखिएगा रांची में बहुत जगह घूमती हूँ तो कोई ऐसा बस्ती नहीं होगा जहाँ मैं नहीं जाती हूँ और उन लोग से बात नहीं करती। हाँ, कोई कोई बस्ती छूट गए होंगे जहाँ हम नहीं जा पाए होंगे। हाँ, तो एक होता है कि गए भी होंगे तो बहुत वहाँ तक पहुँच नहीं पाना। मैं रांची को ही बहुत बढ़िया से देखती हूँ एक मेयर होने के नाते में, तो कई लोग का भी अभाव है, लेकिन वो एक ही बार पूरा तो नहीं होता है, धीरे धीरे पूरा होगा, लेकिन स्वाभिमानी से लोग जीते हैं, कभी मांगते नहीं हैं, मुझे जाके उनको देना पड़ता है, जैसे रोड है, नाली है, सड़क है, बिजली है, पानी है, जैसे तो इन करें जगह न खाओ तो बोले कि नहीं मैया न खाओ, चाहे किसी तरह का बात भी लोग करते हैं, तो इस टाइप का बातचीत करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। समाज से जुड़ करके रहना, समाज में एक सम्मान है और समाज के लोग एक साथ सब खड़े हो रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। बात आशा जी ने कही है, अगर आपकी संस्कृति का सवाल हो तो आप उसका संरक्षण जरूर करिए, लेकिन जो बुराइयां हैं उसे बहुत जल्द बदल डालिए, क्योंकि बदलाव ही आने वाले समय में सबसे बड़ा विकास का तस्वीर हो सकती है।